रुपए का करेला? यस, दिस इज 8.99 1 kg, सो 1000 रुपए हो गए अपने। 900 रुपए। हल्दीराम्स की भी है गाइस, देखो हल्दीराम्स की सब चीजें हैं, ठीक है, भुजिया वगैरह, नमकीन वगैरह, 1 pound की सिर्फ। तो गाइस अभी मैं हूँ बर्मिंघम के अंदर और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के गुरुद्वारे, तो आपको गुरुद्वारे दिखाते हैं, गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं। ये सब है मेरे साथ, पुनीत भैया, आदित्य भैया, चिराग भैया, ऋतुराज जी सब हैं, तो जो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, ठीक है, तो इस व्लॉग के अंदर मैं आपको गुरुद्वारे घुमाऊंगा, तो देखो ज़रा बिल्कुल एंड तक देखना, ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं गुरुद्वारे दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो दर्शन करो आप गुरुद्वारे का और सिस्टम दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोविड में लॉकडाउन है अभी, तो कोविड में यहाँ पे लंगर वगैरह है नहीं है, मतलब क्या है, सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं आज आपको इस व्लॉग के अंदर, तो बिल्कुल एंड तक देखना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दिखाता हूँ आपको गुरुद्वारा कैसा है यहाँ का, ठीक है ना। और ये पीछे सब है, आगे भी हैं भैया। तो गाइज अभी ना यार बर्मिंघम गुरुद्वारे तो गए थे यार, स्मिथविक गुरुद्वारा है ऐसे करके नाम है, बट यार वो ना बंद था, मतलब बंद तो नहीं था, मतलब हम अंदर गए बट वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी यार। तो अभी हम आए हैं कौन सी जगह भैया, ये बर्मिंघम में नहीं, कौन सी जगह है ये नगर स्टोर का नाम? नहीं ऊपर। अच्छा हम कोई स्टोर आए हैं, ग्रोसरी स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे, ये इंडियन स्टोर है, तो इसके अंदर आए हैं अभी हम, तो अब चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको ज़रा क्या है यहाँ पे, एप्पल्स वगैरह हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे हैं, ये देखो ये है 2 for 1 pound, ठीक है, ये 1 pound की है बेस्ट टोमेटोज, ये देखो क्या क्या है यहाँ पे, कॉलीफ्लावर नहीं इसको तो वो बोलते हैं गोभी, फूल गोभी बोलते हैं, पत्ता गोभी, हाँ फूल गोभी बोलते हैं, और वो कैबेज है, ठीक है, और ये देखो ये है पिंक रविया, पता नहीं क्या वो है, ये मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, ये है ये सबके रेट्स वगैरह लिखे हैं, पढ़ लो आप, 1000 रुपए का करेला? यस, दिस इज 8.99 1 kg, सो 1000 रुपए हो गए अपने। 900 रुपए का मूली भी है यहाँ पे, कोई अंडर 1 pound, 3 for 1 pound, और ये साग भी है यहाँ पे, 3 मिलेंगे 1 pound के साग, बीट रूट भी है, मटर, क्या कर रहे हैं पे, ये गाजर है, ये कैसी गाजर है, कैरेट है वो, गाजर है नॉर्मल, अपने इंडिया में ना ये निकाल के देते हैं, इधर नहीं निकालते, ये लोग यूज करते हैं। These are Brussels sprouts, they are very healthy. क्या होता है? Brussels sprouts. Brussels sprouts. अरे आलू का तो रेट दिखाया नहीं आपको, 1.99 के 5 kg है ये। तो मैंने अपने लिए लिए गाइस 5 किलो आलू, अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखो गाइस ये सब है यहाँ पे, स्वीट कॉर्न्स वगैरह भी हैं, टिक्की है, बर्गर की, सबके रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे, डीप पैन बेक्ड पेपरोनी चीज पिज्जा। तो गाइस मैंने अभी देखो क्या क्या लिया है, एक मैंने ये लिया है ये घर पे खाने के लिए, और ये मैंने लिए एक स्वीट कॉर्न का पैकेट, ठीक है, और ये लिए मैंने कुछ एप्पल्स,
ठीक है, और ये लिया 5 किलो का आलू का, ठीक है, क्योंकि मेरे वहाँ पे ना गाइज मैंने ना 5 kg का आलू का पैकेट इसीलिए लिया है क्योंकि एक तो मेरी कमेंट्री में ना, मतलब ये ना इंडियन स्टोर है, बहुत बड़ा सुपरमार्केट टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे ना मतलब मेरे को 2 pounds के अंदर, मतलब 200 rupees में 5 kg आलू मिल गए, तो मतलब बहुत चीप रेट्स में मिल गए। और अगर मैं मतलब 1 kg आलू लेता तो वो 1 pound के दिखा रहा था, मतलब यहाँ पे भी जो है ना वो 1 kg आलू 1 pound के हैं, तो मैंने सोचा भाई 5 kilo ले लूँ जब इतने सारे, और आलू ख़राब होते नहीं है, मैंने अभी पूछा कि आलू ऐसे इतने जल्दी ख़राब नहीं हो जाते, तो इसलिए मैंने 5 kg ले लिया। रोज़ खा लूँगा आलू, क्या होगा भाई, मेरे को खुद ही तो बनाना है खाना, मेरे को कौन सा कोई बना के खिलाएगा खाना, तो इसलिए मैंने आलू ले लिए हैं और वो स्वीट कॉर्न वगैरह लिए हैं और वो सब अभी आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी सब अंदर ही हैं और सब अपना सामान ले रहे हैं, तो मैं जाके और देखता हूँ, और कुछ पसंद आता था और कुछ ले लेता हूँ, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, घूम लेते हैं थोड़ा सा इधर उधर। ये देखो गाइस क्या क्या है, यहाँ पे गाने भी इंजन चल रहे हैं। ये देखो गाइस जलेबी मिल रही है 2 pound की। जैसे गाइस इंडियन फैमिली यहाँ पे कभी आती है तो सरलेक वगैरह चाहिए होता है ना, तो 3 pounds मतलब 2.99 pounds का मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस मैंने ना अभी ये भी लिया है, ये देखो ये रोटियाँ हैं बहुत सारी इसमें, इसके अंदर है, तो पता नहीं ये कितने पाउंड्स की हैं, ये है 2.49 pounds की। तो अभी ये भी लेके जा रहा हूँ, मेरे को मतलब पसंद आ गई कि मेरे को रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, वैसे तो मैं या तो खुद बना लूँगा, बट ये बनी बनाई जब मिल रही है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ये भी खा लूँगा आज। देखो गाइस ये सब क्या है यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ें, सब रेट्स वगैरह देखो आप, 4 can 4.49 के, ये सब पता नहीं क्या है, मेरे को पता नहीं है, शराब है शायद, ये तो पेप्सी वगैरह भी हैं, पेप्सी है 500 ml 1.19। स्नीकर्स वगैरह 69 pennies, मतलब 69 rupees कह सकते हैं हम। हल्दीराम्स की भी हैं गाइस, देखो हल्दीराम्स की सब चीज़ें हैं, ठीक है, गुजिया वगैरह नमकीन वगैरह 1 pound की सिर्फ, देख रहे हो, और केक स्लाइसेस ये सब भी हैं, बेक्ड आइटम्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह सब है, रस्क वगैरह, एलोवेरा त्रिफला 4.99 pounds का एलोवेरा, ठीक है, और ये कोस्टा के जो है, और बिस्किट्स वगैरह भी हैं गाइस, सबके रेट्स वगैरह सब जगह पे लिखे हुए हैं। मिल्क वगैरह भी है 1.89 का ओनली, ठीक है, कुल्फी आइस कुल्फी भी है, और ये गार्लिक ब्रेड है, चीज़ी गार्लिक ब्रेड, और वो है 2.50 pounds का मक्की इनकी वो चिप्स, मीट रोल्स, चिकन रोल्स, चिकन रोल्स है 3.99 pounds का, ठीक है, और ये है खट्टा ढोकला, ये है 2.29 pounds का खट्टा ढोकला। ऑयल वगैरह है यहाँ पे, सनफ्लावर ऑयल, देखो सब तरीके के ऑयल्स भी हैं, कोकोनट भी है, सबके रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं गाइस, सबके हर जगह पे आप चेक करो ज़रा। मेयोनीज भी है 2.69 pounds की, ये 35 pennies की है, ये सब है, 69 pennies की डीएस वगैरह है, ये सब दिवाली के लिए। तो गाइस अभी ना मतलब स्टोर से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, तो अभी मैं ना जल्दी जल्दी बाहर आया क्योंकि सब बाहर ही वेट कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं था कि सब आ गए हैं बाहर, तो अभी मैं बाहर आया और मैं ना अभी स्टोर की आपको वीडियो दिखा रहा था, तो जो स्टोर की ओनर जो है ना
अभी वो आए थे, कह रहे थे कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे मेरा स्टोर डीफेम वगैरह हो या कुछ हो. तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं ऑडियंस को दिखा रहा हूँ अपनी कि यहाँ पे किस रेट्स में मिलता है, कैसे मिलता है और कितना, मतलब कितना प्राइस का डिफरेंस है. तो आप एक पाउंड मतलब 100 रुपये लगा लो, अपने आप कैलकुलेट करके देख लो. सबके रेट्स तो मैंने आपको दिखाई दिए, पूरा स्टोर आपको विजिट करा दिया, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, हर चीज़ दिखा दिया. तो आई होप गाइज आपको अच्छी लग रही हो वीडियो. और पता नहीं स्टोर का नाम क्या था भैया, वीवरली ऐसे करके, तो नहीं क्या है स्टोर का नाम, मेरे को तो समझ भी नहीं आया. अभी मैंने स्पेलिंग भी नहीं पढ़ी ना क्योंकि ऊपर हंस रहे हैं सब. तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं आगे व्लॉग में क्या करते हैं. और हम बर्मिंघम वाले गुरुद्वारे में आए थे जो स्मिथ पिक का गुरुद्वारा है, तो वो बट उसके अंदर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दी. तो आपको ये दिखाया, अच्छा लगा होगा आपको आई होप. ठीक है तो बस अब आगे दिखाते हैं आपको. तो गाइस अभी ये रही पीछे कार और मैं आ गया हूँ सिंगर हॉल में, मतलब अपने एकोमोडेशन के बाहर. ये रही मेरी एकोमोडेशन. तो अब मैं चाह रहा हूँ घर और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बस आज यही वीडियो बनानी थी. ठीक है तो मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, अभी आलू हैं 5 किलो के और ये सारा सामान है. ठीक है गाइस बस अब एंड करते हैं यार आज की वीडियो, और फ़ोन भी बज रहा है मेरा. ठीक है बहुत ज़्यादा सामान हो गया. तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. तो बाय गाइस.